गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, कॉमर्स क्लासेस के अंदर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था अधिमान अंशों का शोधन और उनकी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद। तो अधिमान अंशों के शोधन की जो चार विधियां थी वो हमने आपको कंप्लीट बता दी है। आज इस चैप्टर का जो अंतिम पॉइंट बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो है बाईबैक ऑफ शेयर्स, यानी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद। ठीक है, इसके अंदर देखिए पांच स्टेप के अंदर आपको ये लेखांकन है वो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, अगर वो जो शेयर है पूर्व प्रदत्त नहीं है तो सबसे पहले आपको उनको पूर्व प्रदत्त बनाना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेप रहेगा, आपको उनको निर्गमन की जो एंट्रियां है इश्यू करने की वो एंट्रियां करनी पड़ेगी। तीसरे स्टेप में आपको कोई भी सिक्योरिटीज, प्रीमियम, जनरल रिजर्व या सरप्लस है तो उनको सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सीआरआर इट मीन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। चौथे पॉइंट के अंदर आपको क्या करनी है, चौथे पॉइंट के अंदर आपको इन जो प्रतिभूतियों का जो स्वयं के जो अंश है उनको क्रय करने की एंट्री करनी है, यानी खरीदने की। तो एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम या प्रीमियम ऑन बाईबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और जो अंतिम जो पांचवा स्टेप है वो रहेगा आपका जो वापसी खरीद पर प्रीमियम को अपलिखित करने पर, वापसी खरीद पर जो प्रीमियम है उसको अपलिखित करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम या कोई भी फ्री रिजर्व है वो डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। जो ये प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर है इसको अपलिखित करेंगे हम पांचवें स्टेप के अंदर। आई होप आपको ये पांचों एंट्रिया, पांचों स्टेप समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। कानोडिया लिमिटेड 31 मार्च 2014 को निम्नलिखित चिट्ठा प्रस्तुत करती है। ये एक बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपको दिया गया है। एसेट्स वाला पॉइंट आपको दिया गया है जिसमें शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल 75,000 रुपये, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये पर ईच 75 लाख दिए गए हैं। 5 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए गए, 10 रुपये के हिसाब से 50 लाख ये हो गए, टोटल हो गए 1,25,00,000। फिर इसके बाद इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दी गई 75 लाख, 5 लाख के इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये ईच फुल्ली पेडअप। रिजर्व और सरप्लस के 50 लाख दिए गए, कैपिटल रिजर्व के, रेवेन्यू रिजर्व के दिए गए 2,50,00,000। उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज दिया गया 1,40,00,000। उसके बाद में एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल 1,50,00,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,20,00,000, करंट एसेट्स 2,95,00,000। इसके अलावा आपको कहा गया है कि कंपनी ने स्वयं के 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंश 25 रुपये प्रति अंश पर 1/4/2014 को मुक्त संचयों में से खरीदे। कंपनी ने उसी तिथि को पूर्वाधिकार अंशों का भी शोधन किया, उपयुक्त के लिए बैंक खाते से भुगतान किए गए जो चालू संपत्तियों का भाग है। आपको उपयुक्त लेन देनों को दर्ज करने के लिए जर्नल प्रविष्टियां देनी है। सबसे पहले आपको अप्रैल 1 को जो एंट्री करनी है वो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके अंदर देखिए 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंश यानी कि 10,00,000 रुपये के हो गए और 25 रुपये प्रति अंश पर मुक्त संचयों में से खरीदे गए। ठीक है, खरीदे गए तो 10 लाख तो ये हो गए, 25 रुपये में से 10 रुपये तो ये हो गए, बाकी बचे 15 रुपये प्रीमियम ऑन बायबैक के हो गए, तो 15 रुपये 15 लाख हो गए, तो टोटल 25 लाख हो गए। उसके बाद में अप्रैल 1 को जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो राशि है वो है 75,00,000 रुपये, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75 लाख से हो गए। उसके बाद में रेवेन्यू रिजर्व के आपको दिए गए हैं 85 लाख रुपीज। ठीक है, तो रेवेन्यू जो भी रिजर्व है उनको सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, तो टोटल आपका हो गया 85 लाख। ठीक है, 85 लाख रुपए। उसके बाद में रेवेन्यू रिजर्व को प्रीमियम ऑन बायबैक में ट्रांसफर करने पर, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 15 लाख डेबिट, 15 लाख रुपए क्रेडिट। और जो लास्ट एंट्री होगी ये इक्विटी शेयर होल्डर के जो 25 लाख रुपए और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जो 75 लाख रुपए, यानी कि टोटल 1 करोड़ रुपए की जो अंतिम एंट्री होगी वो बैंक खाते से ट्रांसफर करने की होगी। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट बिंदु है इस चैप्टर का समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर ये चैप्टर, ये जो 7वां चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम नया जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।